तो हेलो फ्रेंड, तो मैं आज बना रही हूँ बेसन अंडे की सब्जी। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में 1 कप मैंने बेसन डाला है। उसके बाद ये 3 अंडे मैं ऐड कर लूँगी, और उसके बाद मैंने एक अंडा को और ऐड करा है। मैं इसको सब अच्छे से मिक्स कर लूँगी, तो बहुत अच्छी सब्जी बनती है इसकी। एक बार बनाएंगे, बार बार बनाएंगे। तो इसके बाद आ जाते हैं हम सूखे मसाले डालने के लिए। हल्दी, मिर्च, धनिया भी ऐड कर देंगे आधा आधा चम्मच। उसके बाद मैं नमक को भी ऐड कर दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हाफ चम्मच मैंने गरम मसाला भी डाला। इन सब को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके अच्छे से तरह से इसको मैं ऐसी मैश करती जाऊँगी। अच्छी तरह मिला के मैंने इसको बाद बनाना है सब्जी फ्राई करूँगी। तो देख सकते हैं मैं अच्छी तरह मिला रही हूँ। आप भी इसी तरह से बनाइएगा। देखिए मैं कितनी अच्छी तरह से फैटा। अच्छी तरह से इसमें फैटने में मेरे को 5 मिनट लग गए हैं। 5 मिनट तक मैंने अच्छी तरह फैटा है। और अब आ जाते हैं, इसके बाद मैंने पैन में तेल डाल लिया है। तेल डाल के मैंने अच्छे से गरम कर लिया है, और उसके बाद मैं ये देखिए सारा इसका पेस्ट मैं इसमें डाल दूंगी। और इसको मैं लो फ्लेम पे मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी ढक के, तो अच्छी तरह पक जाए। अब हमने ये पक गया, एक तरफ से अच्छी तरह पक गया है, थोड़ा सा रेड हो गया। अब मैं इसको पलट दिया है, हमने इसको पलट दिया है। देख सकते दूसरी तरफ से भी सेक के इसको अच्छे से, अब देखे मैंने निकाल लिया है। और अब पैन में मैंने सब्जी बनाने के लिए तेल डाल लिया। तेल को मैं अच्छी तरह गरम कर लूँगी। उसके बाद जीरा डाला है मैंने, जीरा और दालचीनी थोड़ी सी, 5-6 मैंने काली मिर्च डाली है। और इसके बाद 2 रेड मिर्च, 2 इलायची, ये सब मैंने ऐड कर दिया है। और फिर आ जाते हैं, मैंने दो दो प्याज मीडियम साइज़ के लिए मैंने छोटे छोटे कट कर लिए। इसको भी मैं डाल के भूनूंगी अच्छी तरह। अच्छी तरह भून के अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है, देख सकते हैं। और इसको मैं अच्छी तरह से चला दूंगी। चला के मैं अच्छी तरह से इसको भुनाई करूंगी मैं इसकी। और आ जाते हैं हम, इसे थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, इसके खुशबू बड़ी अच्छी आती है, बहुत अच्छे टेस्टी लगती है। तो देख सकते हैं आप, मैं इसको अच्छे से बना लूँगी। और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज को, लाइट कलर करना। अब आ जाते हैं हम इसके बाद, हरी मिर्च भी मैंने 2 से 3 कट कर रखे रखी है, उसमें मैं ऐड कर दी। और ये मैंने छोटे 2 टमाटर, 2 से 3 टमाटर मैंने लिए, टमाटर की प्यूरी बना ली है। अब इसको भी मैंने ऐड कर दिए हैं। अब आ जाते हैं सूखे मसाले डालते हैं। हाफ हाफ चम्मच मैंने हल्दी, मिर्च, धनिया सब मैंने मिला दिया है इसको, और अच्छे से मिला के चला दूंगी मैं इसको। चला के ऐसे चला के थोड़ा सा इसमें ऐसे पानी डाला है। अभी थोड़ी देर हम पकाएंगे, लगभग 5 से 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे मसाले को अच्छी तरह। इसको ढक के पकाएंगे। और मैं नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने अब बाद में डाला नमक। तो अच्छे से चला के मैं इसको अच्छी तरह से ढक के पकाऊंगी। मसाला जब तक नहीं पक जाता तब तक सब्जी अच्छी नहीं बनती। तो अब मैं इसको अच्छी तरह लो फ्लेम पे पकाऊंगी ढककर। अब आ जाते हैं हम अपने अंडे की, बेसन की कटिंग करने। और जो मैंने उसका ऑमलेट बनाया है, देख सकते हैं आप। अब ये कुछ कट कट कर करके पीसीस, जैसे पनीर के पीस हो गए, इस तरह से मैं इसकी छोटे छोटे पीस करके चौकोर इसकी कटिंग कर दूंगी। देख सकते हैं आप, मैं कटिंग कर रही हूँ इसको। तो घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, तो ज़रूर बनाइए। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, टेस्टी बनती है। और हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देख सकते हैं कट गया पीस। अब स्पॉन्जी बड़ा अच्छे से बना है, हमने अच्छी तरह इसको पका लिया है। अब देख सकते हैं, हमने देखा मसाला, अब हमारा मसाला इसका पक गया है। अब इसमें अच्छी तरह पक गया है। ये मैं चला के, मैं अभी क्या है, पानी, लोग पानी डाल के बाद में डालते हैं पका के, और मैं अभी पहले इसको डाली पीसीस को।
पहले डाल ली इसको भून के थोड़ा सा, फिर उसके बाद पानी डालूंगा। अब मैं से ये सारे जो मैंने कट कर लिए कटिंग अंडे की, तो उसको मैं सब अच्छे से चला के इसका मसाला ताकि अंदर भर जाए, मैंने पहले इसलिए डाला है, बाद में भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने पका लिया मसाला, अब मैं इसके बाद पानी डाल दूँगी। 2 कटोरी के करीब मैंने पानी डाला है और इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे, ताकि पानी तो अच्छी तरह सूख जाता है जल्दी, क्यों, क्योंकि बेसन है इसमें, बेसन पानी अच्छी तरह जल्दी सोख लेता है इसको पानी को, इसलिए मैंने 2 कटोरी पानी ऐड करा ताकि ये पानी अच्छे से पकेगा और मसाला भरेगा सब्जी में, तो बहुत अच्छी सब्जी बनेगी। चलिए हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई, अंडे बेसन की सब्जी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप भी बनाइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। देख सकते हैं सब्जी कितनी अच्छी बनी है, खा के देखिए, बाय।